हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव स्टार्ट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके इस रिलेशनशिप में आपके क्रश, जिनके साथ अभी तक आपका रिश्ता स्टार्ट नहीं हुआ है और बहुत दिल करता है उनसे बात करने का और जो कि रिश्ता स्टार्ट करने का, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, दूर से ही देख रहे हो, थोड़ी बहुत भी बातचीत नहीं हो रही है, या तो अगर करने की कोशिश भी करते हो तो सामने से आपको बहुत इग्नोर किया जाता है। अगर ऐसी कुछ एनर्जीज है तो आपके उस क्रश की फीलिंग्स आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, देखते हैं क्या निकल के आता है। आपके क्रश इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, एकदम पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हो आपके आपके क्रश के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी। ठीक है, आपके क्रश की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, एकदम पॉजिटिव रहें, यस, ये आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपने इनको कुछ कॉल मैसेज करके रखा है तो डेफिनेटली उसका रिप्लाई आने के चांसेस है, या आपको छोटा मोटा गिफ्ट देना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, ऐसा इनको लग रहा है कि शायद दोस्ती से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। जो कन्फ्यूजन था इनको आपको लेके कि मतलब क्या करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, बात करूँ नहीं करूँ, इसके साथ रिश्ते में जाऊँ नहीं जाऊँ, वो कन्फ्यूजन इनका हट चुका है, फुल स्टॉप लग चुका है, एक डिसीजन हो चुका है इनका। इनको आपके पास आना है, ऑफर करना है, गिफ्ट करना है। ठीक है, चांसेस स्ट्रांग है। अगर आपके क्रश अनमैरिड है, मतलब आप दोनों ही अनमैरिड पर्सन हो ना, आपके क्रश जैसे कि अपने घर वालों को मनाने के बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ जैसे कि आपके आपके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र करते हैं, जैसे कि इनको ऐसा फील हो घर वालों को कि इनकी ज़िंदगी में कोई एंटर करने वाला है या तो कर चुका है, ये इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे करंट में अपने घर वालों को। और अगर आपके पार्टनर मैरिड है, मतलब कि अगर आपके क्रश मैरिड पर्सन है, तो ये जैसे कि अपने जो भी थर्ड पार्टी है उस थर्ड पार्टी के साथ इनजस्टिस तो नहीं करना चाहते, लेकिन यस वो प्यार आप ही से करते हैं, आपके और इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। हो सकता है कि इन्होंने अभी तक आपको बताया नहीं है, आपको बताने के बारे में सोच रहे हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा इनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर आ चुका है, आपका अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा होने लगा है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, आपके क्रश वृषभ कन्या मकर राशि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला, या अपने घर वालों से दिल से आपको लेके एफर्ट्स लगा रहे, उनको मनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन शायद इनके घर वाले जो कि नहीं मान रहे, ऐसे एनर्जीज है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी से लड़ रहे हैं, हो सकता है कि अपने घर वालों से फाइट कर रहे हैं, या तो आपके कोई ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो आप दोनों को लेके कुछ गलत बात करते होंगे, तो ये उनसे फाइट कर रहे हैं, किसी से लड़ तो रहे हैं आपके लिए, चांसेस स्ट्रांग है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनका फाइनेंस मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, इनका प्रैक्टिकली इनकी प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अच्छी है, हो सकता है किसी अच्छे जॉब पर है, ठीक है, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ऐसा कुछ हो सकता है, कोई ऑफिसर हो सकते हैं, इनका फाइनेंस बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक्त इनको प्यार की ज़रूरत है। और इनका देखो आप यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, ट्रू जेन्युइन लव को शो करता है, डेफिनेटली इनका इस तरह से फीलिंग है करंट पे कि मेरी ज़िंदगी में तो अब सब कुछ है, सिर्फ मुझे प्यार की ज़रूरत है, और जो कि अपने प्यार का कप आपको ऑफर करने के लिए आ रहे हैं, ये बहुत प्यार करने लगे आपसे, बस ये है कि ये बता नहीं सकते, इनके जैसे कि किंग ऑफ कप्स, इनकी ज़बान खुलती नहीं है, जो भी बातें गले में अटकी रहती है, ताकि इनको लग रहा है कि अगर ये आपको अपने प्यार का कप ऑफर करते, अगर ये आपको अपने दिल की बात बताते हैं, तो आप जो कि कुछ मांगोगे इनसे, कुछ कंडीशन हो सकती है आपकी, या तो आप इनसे शादी करना चाहते हो, और जो कि इनको ऐसा फील होता है कि अगर इनके घर वाले नहीं मानेंगे तो ये तो आपसे शादी नहीं करने वाले हैं, तो अगर ऐसे टाइम में अगर ये आपके साथ आते हैं, आपके साथ रिश्ता बना लेते हैं, तो ये आपकी जिद कंप्लीट कैसे करेंगे, ये इस तरह से भी सोच रहे हैं। और इसी एनर्जीज की वजह से मैंने बोला कि इनकी बात जो है दिल में अटक जाती है, जबान में अटक जाती है, जबान से बाहर निकलती नहीं है, इतने पॉजिटिव होने के बावजूद ही आपसे बात नहीं करते, सिर्फ इसी वजह से कोई जिद है आपकी जो वो कंप्लीट नहीं कर सकते, ऐसा इनको लगता है। फोर ऑफ सोर्स की एनर्जीज है, डेफिनेटली ये पर्सन आपको ओवर थिंकिंग करते, रात रात भर सोचते, आपको रात रात भर सोचते रहते हैं, लेकिन जो भी थर्ड पार्टीज आपके इस रिलेशनशिप में हैं, आपके क्रश खुद भी उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको जैसे कि किसी मिराकल का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसा मिराकल हो जाए और ये थर्ड पार्टी शादी के लिए मान जाए, और अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो ये अपने आप सरेंडर कर दे, अपने आप इनको छोड़ के चली जाए, इस तरह की एनर्जीज। टेम्परेंस का कार्ड है, आप डेफिनेटली ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे ज़रूर, ये रिश्ता स्टार्ट भी होगा, ये सोच समझ कर सही डिसीजन लेके इस रिलेशनशिप में इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे।
आपका हालात ऐसे है कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं इनका इंतज़ार कर करके, से वरना पेंटाकल्स हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग एफर्ट्स लगाते हैं इनको मनाने की कोशिश करते हैं, इनको अलग अलग फेक अकाउंट से मैसेजेस करते रहते हो, अलग अलग नंबर से अपने दोस्तों के नंबर से कॉल करते रहते हो, लेकिन आपको किसी भी जगह से कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता, किसी भी जगह से कुछ भी रिप्लाई नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो कि पता नहीं क्या मेरी ज़िंदगी में कभी प्यार आएगा भी कि नहीं, इस तरह की एनर्जी से। ठीक है, यहाँ पे बॉटम में भी एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, आपके क्रश आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ये कभी भी आ सकते हैं आपको आपसे बात करने के लिए। ठीक है, बस सोच समझ के आएंगे, इस रिलेशनशिप में बैलेंस डेफिनेटली लाएंगे। अगर आपने इनको आज देखा था, कल देखा था, तो इनके आंखों में देखो आप, आपको समझ में आ जाएगा कि इनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा प्यार है। हम देखते हैं इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ट्रू मैसेज द यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल गाइडेंस टावर का कार्ड है, यहाँ पर डेफिनेटली यूनिवर्स आपको बता रहे कि आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस यही होने वाला है कि सामने से आपको ऑफर आएगा, फायर एनर्जीज है, खुद होके ये पर्सन बात करेंगे, वक्त आने पर करेंगे, सडनली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। टू ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड, ये आपको किसी और के साथ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और बैलेंस करेंगे भी, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग नजर उठी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल पे से बुक करने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।